This news is brought to you by Nath Investments in public interest. Yes, yes. महासमादेशक, होमगार्ड, नागरी संरक्षण, जिला आपत्ति व्यवस्थापन व रायगढ़ पुलिस, इनके संयुक्त विद्वान से आपत्ति व्यवस्थापन प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन पालक मंत्री कुमारी अदिति तटकरे इनके हाथों से हुआ। पुलिस कवायद मैदान में हुआ, जहां पे जजीरा सभागृह में संपन्न हुआ। उस वक्त बोलते हुए उन्होंने कहा कि आपत्ति आए नहीं, पर आए तो हमें सजग रहना है और पूरी तैयारी के साथ रहना है। इस वक्त अतिरिक्त नियंत्रक नागरी संरक्षण मुंबई श्री संजय जाधव, अपर पुलिस अधीक्षक श्री अतुल झेंडे, प्रांत अधिकारी श्री प्रशांत ढगे, तहसीलदार श्रीमती मीनल दड़वी, पुलिस निरीक्षक अरुण पवार, सहायक पुलिस निरीक्षक अजीत गोळे, राज्य आपत्ति व्यवस्थापन दल के उपनिरीक्षक प्रकाश सोनटके, होमगार्ड पुरुष महिला जवान, आपत्ति प्रतिसाद दल के स्वयंसेवक श्री गुरुनाथ साठलेकर भी उपस्थित थे। पालक मंत्री कुमारी अदिति तटकरे ने कहा कि जिला नियोजन स्थानिक आमदार निधि जिला आपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण उनका एकत्रित निधि से जिला की आपत्ति व्यवस्थापन के लिए आवश्यक साधन सामग्री बड़े पैमाने पर उपलब्ध करना होगा, ऐसा उन्होंने कहा है। आगे देखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महाड़ में जो आपत्ति व्यवस्थापन नियंत्रण कक्ष है वहाँ का होना बहुत ही आवश्यक है। कार्रवाई शुरू है। मदद व पुनर्वसन विभाग के सहकार्य से महाड़ में राष्ट्रीय आपत्ति प्रतिसाद दल का कायम स्वरूपी जो है वो बेस कैंप स्थापित होने की दृष्टि से केंद्र से पाठ पुरावा भी उनका शुरू है, मतलब उनका जो बातचीत है वो शुरू है। आप देख रहे हैं इस फुटेज में। जी हाँ, आगे देखिए क्या क्या वो कह रहे हैं। और इस वक्त जो है वो अतिरिक्त नियंत्रक श्री जाधव ने अपने मनोगत आपत्ति व्यवस्थापन और उसके लिए प्रशिक्षण के महत्व स्पष्ट करने, प्रशिक्षण के माध्यम से ज़्यादा स्वयंसेवक बनाए हैं, बनाए जाएंगे, ऐसी गवाही भी दी है। और शिविर के निमित्त कुमारी अदिति तटकरे ने आपत्ति व्यवस्थापन के लिए आवश्यक जो चाहिए प्रशिक्षण उसका साहित्य भी का भी इंतज़ाम किया है। कार्यक्रम का प्रस्ताव जो है वो अपर पुलिस अधीक्षक अतुल झेंडे इन्होंने किया। सत्र आटोपल्यानंतर पावसाळ्याच्या आधी आपण एक दिवसीय सत्र हे त्या रेस्क्यू टीम सोबत, त्यांच्या सगळ्यांच्या आपल्याकडे कॉन्टॅक्ट्स आहेत, रजिस्ट्रेशन आहेत, आणि मग त्या रेस्क्यू टीम्सला सुद्धा वाटेल की आपत्तीच्या कालावधीतच नाही तर इतर वेळेला सुद्धा जिल्हा व्यवस्थापन आणि पोलीस प्रशासनाला आमची आठवण असते, आणि जर त्या कोऑर्डिनेशनने आपण काम केलं तर नक्कीच एक चांगल्या पद्धतीचं काम आपण पुढच्या कालावधीमध्ये करू शकू। याच्या निमित्ताने किंवा उद्घाटन प्रसंगी माझ्या एक दोनच विनंतीपूर्वक सूचना राहतील। आज आपली 5 दिवसाची यांची ट्रेनिंग झाल्याच्या नंतर रायगड जिल्ह्यामधल्या जितक्या कार्यरत असणाऱ्या रेस्क्यू टीम्स आहेत, ज्या इतर वेळेला कुठली आपत्ती झाल्यानंतर त्वरित आपल्याही आधी SDRF NDRFच्या आधी ठिकाणी पोचतात आणि कामाला सुरुवात करतात, यांच्यासाठी सुद्धा जर आपण एक संयुक्त बैठक आणि ट्रेनिंग जर आयोजित केली तर त्यांच्यासोबत एक चांगल्या पद्धतीचं कोऑर्डिनेशन आपलं त्यानिमित्ताने राहील। प्रशिक्षण शिबिर आज या ठिकाणी आयोजित केलेलं आहे, याच्यामध्ये जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन असेल, नागरी संरक्षण कार्य असेल आणि SDRF यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे प्रशिक्षण होत आहे। आता हा फर्स्ट लॉट करता अंदाजे साधारणपणे आपण 200 होमगार्ड या 5 दिवसामध्ये 9 तारखेपासून ते त्याच्यापर्यंत 12 तारखेपर्यंत आपण हा ट्रेनिंग शेड्यूल आहे। त्याच्यामध्ये काही लेक्चर त्या ठिकाणी होणार आहेत, त्यांचे काही डेमॉन्स्ट्रेशन असेल ते सुद्धा त्या ठिकाणी होणार आहेत, आवश्यक आहे। आणि म्हणून मग आपण
होमगार्ड दलाने या ठिकाणी प्रशिक्षण शिबिर आयोजित करून सुसज्ज करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. पण अशा आपत्तींना कसं आपण नियोजनबद्धरित्या फेस करू शकतो यासाठीचं प्रशिक्षण आपण देणार आहोत. ब्युरो रिपोर्ट, नवी मुंबई, उल्वे न्यूज.